Hi to all my dearest watcher, I hope you all are fine. Welcome to my channel again, Kritika JNVA. I hope you will all are fine and study well. So in our today's video, we are going to read about the metal and non-metal chapter of NCERT class 8 chapter 4. So like, share and subscribe my this video, like all the videos, okay? Firstly, I want to say you all sorry for late delay in uploading videos. मैंने बहुत late कर दिया, मेरा पिछला video के 3 weeks हो गए हैं. So सबसे पहले sorry, मैं next time से अपनी videos regular upload करूँगी, ठीक है? तो ठीक है, चलिए अब sorry worry सब हो गया है, तो अब चलिए हम शुरू करते हैं chapter की तरफ. सो हमने पिछले पार्ट में क्या पढ़ा था, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल. सो हम अपने इस पार्ट में पढ़ने वाले केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, ओनली मेटल, ठीक है? नॉन मेटल हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे. सो देखते हैं इस वीडियो में हमें क्या क्या देखना है. तो हम लोग सबसे पहले मेटल का रिएक्शन पढ़ेंगे, जिसके बेसिस पे हम जज करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल को, ठीक है? सो देखिए हमें क्या क्या पढ़ना है. तो हमें पढ़ना है मेटल्स के रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, देन फिर हाइड्रोजन के साथ, फिर एसिड के साथ, फिर बेस के साथ. और इस चारों रिएक्शन के बेसिस पे हम जानेंगे मेटल का केमिकल प्रॉपर्टी, क्लियर? सो चलिए तो हम चलते हैं, सबसे पहले मेटल रिएक्शन विथ ऑक्सीजन पढ़ेंगे. तो ये रहा हमारा मेटल रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं. ऑल द मेटल्स व्हेन कंबाइंड विथ ऑक्सीजन दे फॉर्म ऑक्साइड. ऑल मेटल्स गिव सिमिलर केमिकल रिएक्शन, दैट इज मेटल प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू मेटल ऑक्साइड, क्लियर? हाउएवर द रिएक्टिविटी बट डिपेंड्स अपॉन इट्स नेचर एंड रिएक्शंस कंडीशन. जितने भी मेटल हैं, एलिमेंट्स में जितने भी मेटल कैटेगरी के मटेरियल हैं, वो सब ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं, उनसे कंबाइन होके रिएक्शन करते हैं. तो वो जितने भी करते हैं, सब क्या करते हैं, एक रिएक्शन देते हैं ऑक्साइड के फॉर्म में, ठीक है? इसलिए हम कहते हैं मेटल प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू मेटल ऑक्साइड. बट जो उनकी रिएक्टिविटी रिजल्ट होती है, वो दो पॉइंट पे डिपेंड करती है, ठीक है? वो दो पॉइंट क्या है, मेटल का नेचर और दूसरा मेटल का रिएक्शन कंडीशन, ठीक है? जैसा कि हम एग्जाम्पल्स में देखते हैं, सोडियम यानी Na प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड, एंड कॉपर प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू कॉपर ऑक्साइड. बट सोडियम रिएक्ट इन रूम टेम्परेचर, मतलब सोडियम नॉर्मल टेम्परेचर में रिएक्ट करता है. मैग्नीशियम रिएक्ट बर्न विथ लाइट हीट, मतलब सोडियम के बाद जब मैग्नीशियम रिएक्ट करता है तो उसे थोड़ा सा हीट की ज़रूरत होती है. लेकिन कॉपर तो रिएक्शन करता ही नहीं है, कितनी भी उसे हाईली हीट प्रोवाइड की जाए. आफ्टर अ स्ट्रॉन्ग हीट कॉपर इवन नॉट गेट बर्न, नहीं बर्न होता. इससे क्या पता चलता है कि जो रिएक्टिविटी है, जिस पे डिपेंड करता है हमारा रिएक्शन, वो कॉपर में कम है. कॉपर इज़ लेस रिएक्टिव दैन सोडियम एंड मैग्नीशियम, क्लियर? नाउ मेटल रिएक्शन विथ वाटर यानी हाइड्रोजन. जिस तरह मेटल प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू मेटल ऑक्साइड होता है, उसी तरह मेटल प्लस हाइड्रोजन इक्वल टू हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है? डिफरेंट मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर अंडर डिफरेंट कंडीशन. डिफरेंट कंडीशन के बेसिस पे रिएक्शन होता है मेटल का वाटर के साथ. एंड वॉट दे फॉर्म, देन दे फॉर्म हाइड्रो ऑक्साइड विथ मेटल. एग्जाम्पल, सोडियम प्लस वाटर इक्वल टू सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, एंड आयरन प्लस वाटर इक्वल टू फेरोफेरी ऑक्साइड, ठीक है? क्यों है ऐसा? क्योंकि आयरन का जो केमिकल नेम है केमिस्ट्री में, वो Fe है, ठीक है? तो इसीलिए Fe प्लस H2O इक्वल टू फेरोफेरी ऑक्साइड यानी Fe3O4, क्लियर? एंड कॉपर प्लस वाटर इज नॉट एनी रिएक्शन हेयर इज गिवेन. क्यों यहाँ भी कोई रिएक्शन नहीं दिया हुआ है? क्योंकि जो हमारा ये कॉपर है, ये इससे लेस रिएक्टिव है. किससे? आयरन से और सोडियम से, ठीक है? तो इस तरह हम समझते हैं कि यहाँ भी कॉपर नहीं रिएक्ट करता है, बिकॉज इसकी रिएक्टिविटी कैपेसिटी स्लो है, ठीक है?
Now another reaction is with acid. Now metals reaction with acid में क्या है? तो most metals react with dilute acids. यानी बहुत सारे metals जो है react करते हैं dilute acid. Dilute acids वैसे acids को कहते हैं जिसका ज़्यादा जिसमें ज़्यादा ratio water का होता है, ठीक है? तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? दो प्रोडक्शन होता है उनका, ठीक है? एक साल्ट और दूसरा हाइड्रोजन गैस. Reactions of some common metals with dilute acid, जैसा कि हम यहाँ पे HCl का example लेंगे dilute acid के तौर पे, यानी hydrochloric acid का, ठीक है? तो देखिए क्या है, sodium plus hydrochloric acid यानी HCl equal to sodium chloride यानी NaCl, यानी chloride से ही आप समझ रहे होंगे chlorine, and chlorine means salt, यानी हमें समझ में आ गया कि इसने salt को produce किया, ठीक है? Then now moving to another example is magnesium plus hydrochloric acid, that is magnesium chloride. And the last one is copper plus hydrochloric acid equal to no reaction. Why? Because here is also no reaction, क्योंकि यहाँ भी copper है and copper is less reactive than magnesium and sodium, ठीक है? तो यहाँ भी वही चीज़ हमने देखा कि सोडियम मैग्नीशियम जो है अपना प्रोडक्शन भी करता है साल्ट का और रिएक्ट भी करता है एसिड से HCl से, लेकिन कॉपर नहीं करता है. नाउ मूविंग टू आवर लास्ट टॉपिक इज रिएक्शन विथ बेस, यानी मेटल का रिएक्शन बेस के साथ. सर्टेन मेटल्स यानी डिफरेंट मेटल्स लाइक जिंक एलमूनियम, हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है, रिएक्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेसिस ऑन हीटिंग टू फॉर्म अ सल्यूबल साल्ट एंड हाइड्रोजन इज इन्वॉल्व्ड. इसका मतलब ये है कि जो सर्टेन मेटल होते हैं वो रिएक्ट करते हैं स्ट्रॉन्ग बेस से, ठीक है? बेस दो तरह का होता है, एक स्ट्रॉन्ग और एक वीक. तो वो स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करते हैं जब उनको हीट प्रोवाइड की जाती है, ठीक है? लेकिन क्या होता है, वो सॉल्यूबल साल्ट फॉर्म करते हैं, यानी एक सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं रिएक्शन के बाद, जिसमें कि साल्ट सॉल्यूबल फॉर्म में होता है. और इस होल प्रोसेस में हाइड्रोजन भी इन्वॉल्व्ड होता है. सम एग्जाम्पल्स आर जिंक मेटल, जिंक ले रहे हैं, ठीक है? यानी Zn प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH इक्वल टू सोडियम जिंक एट सोल्यूशन यानी Na2ZnO2, ठीक है? तो ये जो हमारा Na2ZnO2 है, ये क्या है? एक सोल्यूशन है जिसका नाम है सोडियम जिंक एट सोल्यूशन. और ये क्या है? तो ये एक हमारा रिएक्शन है जिसमें साल्ट सोल्यूबल फॉर्म में है, ठीक है? And another example is aluminium plus sodium hydroxide solution, that is equal to NaOH, NaAlO2, यानी कि sodium aluminate solution. तो हमारा aluminium plus sodium hydroxide solution, sodium hydroxide solution एक base है, एक strong base, जो कि जब metal से combine होता है तो sodium aluminate solution यानी NaAlO2 फॉर्म करता है, जिसमें कि साल्ट सॉल्यूशन फॉर्म में हो, सॉल्यूबल फॉर्म में होता है, ठीक है? इस तरह हम चारों रिएक्शन में मेटल्स रिएक्शन विथ वो ऑक्सीजन विथ हाइड्रोजन एंड विथ एसिड एंड बेस, वी कंक्लूड दैट केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज फुल्ली डिपेंड ऑन इट्स रिएक्शन, ठीक है? एंड इस तरह मटेरियल में मेटल को क्लासिफाई करते हैं इसके केमिकल रिएक्शन केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे. आई होप यू विल अंडरस्टैंड ऑल द फैक्ट्स क्लियरली, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन कंफर्टली आस्क मी ऑन कमेंट्स सो दैट आई विल रिप्लाई इट, ओके? सो वीडियो को देखने के लिए बहुत सारा थैंक्स, और आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा. और कोई भी डाउट हो तो मैंने कह ही दिया है पहले ही कि कमेंट्स में पूछ सकते हैं. और ऐसे ही वीडियो को देखते रहिएगा, और मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल के बारे में बहुत सारे फैक्ट्स अपलोड करूँगी. सो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा. और भी डिस्क्रिप्शंस के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख सकते हैं. एंड एट लास्ट टेक केयर, बाय बाय, एंड स्टडी विल विथ माई चैनल.